तो आज का एक नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 2 नवंबर 2024, 2 नवंबर 2024, और आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है 1 रुपीज़ के 1975 से 1982 तक जो सिक्के बने थे 8 ग्राम के, डब्बू कॉइन जिसको कहा जाता है, या 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के जिसपे फ्लैग यानी कि झंडा बना हुआ होता है भारत के नक्शे में, 1992 से 2004 तक जो ये कॉइन बने थे, 1992 से 2004 तक। तो इनमें कुछ लायन वराइटीज़ जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आज के वीडियो में आपको इनमें भी कुछ बताऊंगा लायन वराइटी नोएडा मिंट से, जो आप कलेक्ट कर सकते हैं और हमें बेच भी सकते हैं, ठीक है। और मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ऑक्शन हाउस में ये सेल हुए हैं, ठीक है। मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ लायन वराइटी पे वीडियो बन रही है, ठीक है। साथ साथ आपको मैं रेफरेंस भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये जो कंटेन आप देख रहे हैं, अगर ऐसा आप उसको कलेक्शन में रखते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, ये चीज़ बिकती है, ये ऑक्शन में बिकी है, तो आप किसी को रेफरेंस के तौर पर ये वीडियो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपसे रेफरेंस मांगेगा, वो लिंक मांगेगा, तो वो लिंक भी आप ऑक्शन हाउस की वेबसाइट से जाके चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट मैं आगे शेयर कर दूंगा। तो वैसे आज जो मैं बताऊंगा आपको, इनमें जो 1 रुपीज़ का डब्बू कॉइन है, वो एक कॉइन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने कलेक्शन में रखे हुए डब्बू कॉइन्स को चेक कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन होती है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1975 के एक कॉइन की बात करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक बार एक सेट मैंने सेल किया था, तो मैंने इस पर डिस्कशन किया था इस लायन के बारे में। तो सबसे पहले जो 1975 का 1975 का जो सिक्का है, इसमें टाइप्स ऑफ जो लायन है आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं अलग अलग, ठीक है, इसमें से जो लायन वैरायटी, जो टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ, उसको री इंग्रेव्ड लायन कहा जाता है, ठीक है। जिसके चेस्ट पे जो फुर है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदर जो लायंस हैं उनके चेस्ट के जो फुर है, फर है, यानी कि दोनों के फर में जो फ़र्क है वो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे आसान ये है कि सेंट्रल लायन यानी बीच का जो लायन है, उसके चेस्ट के फर्स को देखना है, और इसकी हाइट में भी फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा हाइट में बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन हाइट का मेजरिंग पॉइंट उतना आप नहीं गौर कर पाओगे जितना आप आसानी से उसके चेस्ट के फर को अगर देखोगे तो आपको फ़र्क इजीली नज़र आएगा, ठीक है। हाँ, अगर लायन ही घिसा हुआ है, आपका चेस्ट का फर उसका ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हाइट को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये जो लायन वैरायटी है, ये इंग्रेव्ड लायन इसको कहा जाता है, और ये लायन वैरायटी कहीं ना कहीं 1975 के 1 रुपये के बॉम्बे मिंट में आपको देखनी है। इसकी अच्छी वैल्यूएशन है, यूएनसी कंडीशन में ये 2000-2500 तक भी, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ये सेल होता है। अगर आपके पास ये कॉइन होगा तो ये जो मैंने प्राइस बताई है, इसके आसपास की प्राइस में आपसे यूएनसी ग्रेड का होगा तो ख़रीदूँगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास है इस टाइप के लायन वैरायटी वाले यूएनसी ग्रेड के सिक्के तो ज़रूर बताइए, और यूज़ कंडीशन में भी सेल होते हैं, लेकिन प्राइसिंग इतनी नहीं होगी। प्राइसिंग शुरुआती जो होगी इसकी 200-300 रुपए से लेके कंडीशन के आधार पे, मतलब प्राइस फिर बढ़ती जाएगी। लेकिन मैंने जो बताई है, जो मेन प्राइस है इसकी यूएनसी में 1500 से 2-2500 रुपए के बीच में चल रही है, ठीक है। तो जिस किसी को भी ये सिक्का मिलता है और अगर अच्छी कंडीशन में, और अगर वो बेचना चाहता है, तो एक बार हमसे अप्रोच कर सकता है। तो इस ये 1975 का जो एक कॉइन है, मैं इसके ऊपर आज आपको बता रहा हूँ। इनमें और भी लाइन वैरायटी आती है, और मैं पूरा एक PDF रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ या अदर डिनोमिनेशन में जो डेफिनेटिव सीरीज़ के हैं, ठीक है, स्मारक सिक्के नहीं, यानी फ़ोटो वाले सिक्के नहीं, जिसमें सिर्फ डिनोमिनेशन यानी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया हमें देखने मिलता है अशोक स्तंभ के बैक साइड में, ठीक है। तो उस टाइप के जो जनरल सर्कुलेशन में आए हुए सिक्के हैं, इनका मैं पूरा एक PDF बना रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए बुक में सारी चीज़ें हमें नहीं देखने मिलती है एक साथ, ठीक है। तो बुक में ज़्यादा से ज़्यादा मिंट मार्क वगैरह से हम रैरिटी को पहचान सकते हैं,
या फिर कुछ और भी थोड़ी बहुत अपडेशन उसमें होती है, इससे कुछ जानकारी हमें और मिल जाती है। लेकिन जो ये टॉपिक है लायन वैरायटी का, ये एक अलग टॉपिक है। और इसके ऊपर जो मैं ये पीडीएफ वगैरह अभी जो बना रहा हूँ, ये पीडीएफ का ही फॉर्मेट में मैं अपने आने वाली बुक में, यानी जो मेरा थर्ड एडिशन होगा उसमें मैं 2025 में कोशिश करूँगा कि इसको भी मैं ऐड कर दूँ, इस सब्जेक्ट को भी उसमें ऐड कर दूँ। ठीक है, तो आप लोगों को फिर बुक फॉर्मेट में भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो फ़िलहाल आपके पास अगर डब्बू कॉइन है 8 ग्राम वाला 1975 का, उसको चेक कीजिएगा। उसमें यह री इनग्रेव्ड लायन जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाला अगर आपको मिल जाता है तो ये आप हमें बता सकते हैं। बेस्ट कंडीशन में होगा तो आसानी से बिक जाएगा, कंडीशन काफ़ी यूज्ड होगी तो मुश्किल है, लेकिन आप उसको अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। सेट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि उसका जो दूसरा वैरायटी है उसके साथ इसको भी रखना है और साथ में लिख देना है होल्डर में। अगर आप दोनों एक साथ लगा के रखते हैं तो आप उसमें वैरायटी लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्मॉल है, दूसरी थोड़ी सी बड़ी है, इनग्रेव्ड लायन उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, या टाइप्स में भी आप इसको 1, 2, 3 टाइप लिख करके भी मेंशन करके रख सकते हैं। तो ये पहला जो मैंने बताया आपको डब्बू कॉइन में बताया है। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के 2 रुपीज़ के कॉइन्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन की थीम में आज मैं आपको नोएडा मिंट से दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने पहले 2 रेयर कॉइन्स आपको मैंने बताए थे, वो मैंने बताया था आपको 1994 में ही बॉम्बे मिंट से, टाइप ए जो होता है वो रेयर मैंने कहा था। इसके बाद मैंने 1995 में कलकत्ता मिंट से एक बताया था टाइप C2। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं रेयर होता है, और वो लाइन भी अगर आपको मिलते तो आप हमें बेच सकते हैं। प्राइसिंग मैंने बताई थी 500 से शुरू होकर 2,500 तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इसके बाद आज जो अब आपको दिखा रहा हूँ 1994 के रेयर लायन वैरायटी, इसमें सिर्फ नोएडा मिंट में हम बात करेंगे टाइप ए एंड बी। ठीक है, और ये सिक्के सेल हो चुके हैं बॉम्बे ऑक्शन में। ठीक है, बॉम्बे ऑक्शन में ये सिक्के सेल भी हो चुके हैं, वो भी मैं स्क्रीनशॉट आपको आगे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ए और बी लायन जो होता है, इसकी जानकारी, इसकी बारीकी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप सिक्कों को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें से कैसे इसको निकालना है ढूंढ के जो रेयर वाला है। पहले तो आपको दोनों वैरायटी एक साथ रखनी है। ठीक है, और इसमें रेयर कौन सा था वो भी बता दूंगा आपको, 94 में और 95 में नोएडा मिंट से। तो सबसे पहले जो ए लायन वैरायटी होती है ना, उसकी पहचान फिर से मैं रिपीट कर दूँ। इसका जो आपको राइट साइड का लायन दिखता है, यानी कि सीधे हाथ पे जो हमें दिख रहा है लायन, राइट साइड वाला, राइट साइड फेसिंग किया हुआ लायन, उस लायन में आपको जो उसके फर लाइंस नज़र आती है वो तक आप अगर काउंट करोगे तो तकरीबन वो 5 आपको नज़र आएगी। ठीक है, यानी 5 ऐसी धारा जो लाइंस है चेस्ट पे से जाती हुई वो आपको नज़र आएगी, और वो होता है टाइप ए लायन। ठीक है, ये एक उसका आसान तरीका है पहचानने का। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे, जो नीचे वाला लायन है वो टाइप बी लायन है। अब इसकी भी पहचान सेंट्रल लाइन से नहीं होगी, राइट साइड वाले लाइन से ही होगी। ठीक है, राइट साइड वाले लाइन पे अब जो इस पे जो लाइनिंग गई हुई है ये 5 नहीं होंगी, ये 3 होगी या मैक्सिमम 4 होगी। ठीक है, 3 या 4 होगी इस टाइप से अगर ये लाइंस दिख रही है आपको, और इस टाइप का ये लायन अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप समझ लेना कि ये एक बी टाइप लायन है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लाइव सिक्के पकड़ के मैंने दिखाए हुए, तो अगर आपको वो वीडियो देखोगे आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी 4-5 वीडियो पहले ही मैंने मतलब उसमें की टाइप वैरायटी वीडियो मैंने बताई हुई है सिक्के दिखा के। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसमें डी भी मैंने दिखाया था, क्योंकि डी में कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों को। ठीक है, तो और भी वैरायटीज़ मैंने उसमें कॉइन्स हाथ में लेके चेक करके बताई है मैंने आपको। तो ये जो वैरायटी है बी होती है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो 1994 नोएडा में ए और बी रखा हुआ है, और साथ में 1995 में भी ए और बी रखा हुआ है, दोनों ही ऑक्शन में सेल हो चुके हैं। और इनकी जो प्राइसिंग रही थी ऑक्शन में सेल होने की, लगभग इनकी प्राइसिंग रखी गई थी 2 से 3 हज़ार के बीच में। ठीक है, ये जोड़ी की, लेकिन इसमें एक कॉमन है और एक रेयर है। ठीक है, जो कॉमन वाला है उसकी कोई ख़ास प्राइस नहीं है, लेकिन अगर जोड़ी अब बनाते हैं हम लाइन वैरायटी समझाने के लिए तो एक कॉमन वाला भी हमें लगाना पड़ता है। ठीक है,
वैसे खुद 1994 नोएडा मिंट जो है या 1995 नोएडा मिंट जो है इस कार श्रेणी का कॉइन होता है। तो वैसे भी वो विदाउट लाइन वैरायटी भी अगर आपको वो कॉइन मिल रहा है तो उसको ज़रूर कलेक्ट करें। आज के टाइम में यूएनसी ग्रेड में अभी ज़्यादा प्राइस नहीं है, नॉर्मल ग्रेड में भी 100-200 में मिलते हैं, लेकिन यूएनसी में 500-700 से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। लेकिन ज़रूर कलेक्ट करें, या आने वाले टाइम में मिंट के हिसाब से भी आपको प्राइजिंग दे के जाएगा, भले ही वो रेयर टाइप लाइन उसमें ना हो। ठीक है, तो इसमें अब जो रेयर वैरायटी होती है वो 1994 नोएडा में ए लाइन वैरायटी है जो रेयर है। ठीक है, यानी 5 फर लाइन जिसमें आपको नज़र आएगी राइट साइड वाले लाइन में, वो वाली रेयर है। ठीक इसी तरह 1995 के नोएडा मिंट में भी नेशनल इंटीग्रेशन के 2 रुपीज़ के ये कॉइन्स में ए टाइप ही रेयर होती है। ठीक है, तो ये दोनों ईयर में आपको ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सेम ए लाइन ही आपको ढूंढना है। अगर ये दोनों ए लाइन वाले ही सिर्फ सिक्के मिलते हैं तो वो ही रेयर है, वो भी आप निकाल के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जोड़ी बनाना बी के साथ। ठीक है, तो ये दोनों ईयर में आपको ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सेम ए लाइन ही आपको ढूंढना है। अगर ये दोनों ए लाइन वाले ही सिर्फ सिक्के मिलते हैं तो वो ही रेयर है, वो भी आप निकाल के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जोड़ी बनाना बी के साथ। लेकिन बी वाला अगर मिल रहा है आपको तो जाहिर सी बात है दोनों साथ में रहेंगे, तो किसी को समझाने के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये सेट भी बनाएंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक जो ए वाला लाइन मैंने बताया 94 या 95 नोएडा मिंट में, इसमें आपको चेक करना है 5 फर वाला जो राइट साइड का लाइन है ये वाला आपको मिल जाता है, तो ये एक रेयर वैरायटी है। और इसकी जो सेल आउट हुआ है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बॉम्बे ऑक्शन में ये सेल आउट हुआ है। ठीक है, आइटम सोल्ड लिख के आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आया हुआ है आइटम सोल्ड, तो यानी कि ये सिक्के बिक चुके हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कहीं ना कहीं लाइव बता दिया कि भाई ऑक्शन में भी ये लाइन वैरायटी बिकती है। ठीक है, प्राइजिंग की जहाँ तक बात है तो 94 वाले की जो रखी गई थी प्राइजिंग, ये यूएनसी ग्रेड के कहीं ना कहीं थे और 3000 से 3500 इसकी रखी गई थी, और 1995 के भी जो थे ये भी कहीं ना कहीं यूएनसी ग्रेड के थे और इनकी प्राइस 3000 से 3500 रखी गई थी। ठीक है, तो ये अगर आपको मिल जाते हैं तो आप हमें भी इसको बता सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ आप लाइन वैरायटी चेक करेंगे और कलेक्ट करेंगे, बल्कि अगर सेल करना है तो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और बेस्ट कंडीशन में होंगे तो आसानी से बिक जाएंगे, अच्छी प्राइस में हम ले सकते हैं, लेकिन अगर यूज्ड कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूज्ड कंडीशन हो जिसमें लायन सही से समझ में नहीं आ रहा है तो उस केस में शायद हम खरीदेंगे भी नहीं, हम क्या कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो अच्छी लायन की उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, अशोक स्तंभ यानी कि प्रॉपर नज़र आना होना चाहिए, और जहाँ पे डिनोमिनेशन वगैरह लिखा होता है वहाँ पे भी ऐसा ना हो कि सिक्का घिस गया हो, डेंट वगैरह लगा हो। तो सिक्के की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी, कंडीशन जितनी अच्छी रहेगी, उसकी उतनी ज़्यादा प्राइस मिलती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिटेल। अब इनमें भी कुछ ना कुछ रेयर ऐसे लायन आते हैं 1 रुपीज़ में, ख़ास करके जो डब्बू कॉइन है जिनकी वैल्यूएशन 10,000 के भी ऊपर जाती है, तो आने वाले टाइम में और डिटेलिंग में उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और साथ में नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे भी आपको आगे गाइड करता रहूंगा। ठीक है, और हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें प्रमोशनल वीडियो रहेगा, वो जिसमें मैंने कहा था कि मैं जो फैक्ट्री विज़िट किया था उसकी, उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ख़ास करके प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसमें कितने टाइप्स के वैराइटीज़ वहाँ से प्रोडक्शन होता है, और उसकी उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ख़ास करके प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसमें कितने टाइप्स के वैराइटीज़ वहाँ से प्रोडक्शन होता है, और उसमें जो करंट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी में से अगर कोई कुछ ले करके ख़रीद करके बिजनेस करना चाहता है तो उसकी भी बारीकियाँ हम उस वीडियो में बताएंगे। एक इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा और साइमल्टेनियसली हर हफ्ते या 10 दिन में एक वीडियो और आएगा, ऐसे करके उसी पर्टिकुलर जो प्लास्टिक वाला जो ये वर्क है फैक्ट्री के थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी के ऊपर पूरा हम 2 से 3 कम से कम वीडियो उसमें बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उसका भी डिटेलिंग वीडियो रेडी हो रहा है, वो भी आएगा। और जो लास्ट वीडियो में लोगों ने परचेसिंग की थी
उसमें किसी ने हाफ पेमेंट किया हुआ है, किसी ने टोकन किया हुआ है। तो जल्द से जल्द अभी दिवाली भी लगभग मेरे हिसाब से अब 1-2 दिन में आप लोग फ्री हो जाओगे, तो जल्द से जल्द उसका ही पेमेंट करवा दीजिए ताकि आपके पार्सल यहाँ से निकल जाए। ऑलमोस्ट मैंने जिनको पार्सल थे ज़्यादातर लोगों के भेज दिए हैं, जिनका पेमेंट क्लियर हो गया था। ठीक है, अच्छा कोई मुझे मैसेज कर रहा है बार बार, हालांकि मेंबरशिप ली हुई है उन्होंने, उनका ये बोलना है कि मुझे आपको सिक्के बेचने हैं, कुछ रेयर सिक्के। तो उनके उन्होंने शायद दिखाए भी है मुझे, रेयर सिक्के ही है वो। अब वो चाह रहे हैं कि वो मांगते हैं मेरा आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह, अगर आप भेजोगे तो मुझे एक प्रूफ मिल जाएगा, तो बोले मैं आगे आपको सिक्के भेज के दे सकता हूँ ताकि हम लोग का ट्रस्ट रहे। तो मैं ऐसे जो भी पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो, मेंबर हो या ना हो, या सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर मेंबरशिप आपने लिए ये सोच के कि आपके सिक्के बिक जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं कहा है मैंने। याद रखिए, मेंबरशिप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आज के टाइम में जो लोग मेंबर बन रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो उनके लिए लगभग पहले तो 1500 रुपीज़ फ़ी है जिसको पे करना है आपको, जिसमें आप लाइफ टाइम मेंबरशिप के मतलब बन जाते हैं ऑर्बिट के, जिसमें आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। साथ में आपको 4 बुक की, अलग अलग बुक की PDF मिलती है, और एजुकेशन मतलब आपका बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, ना सिर्फ सिक्कों पर बल्कि आप नोट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको जानकारी हो जाएगी, रिपब्लिक इंडिया के नोट्स भी और ब्रिटिश इंडिया के नोट्स भी, उनकी प्राइसिंग वगैरह भी आपको पता चल जाएगी। फिर मेंट एरर की जो बुक है उसका भी आपको PDF मिलेगा, एरर्स की नॉलेज हो जाएगी। फिर म्यूल एंड डाई वराइटी का भी बुक का PDF आपको मिलेगा, और मेरी जो बुक है 2023 में जो आई थी सेकेंड एडिशन, वो भी आपको उसमें मिलती है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पहले तो आप मेंबर बनने के बाद आपको पता चले कि कौन से सिक्के बिकते हैं, किसको कलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। उसके बाद जब आपको रेयर सिक्के मिलेंगे तो दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रस्ट पे आपको पार्सल के थ्रू भेजना है, नहीं तो आपको पार्सल ना भेजते हुए आपको खुद वो सिक्के लेके आने हैं। जैसे लोग एग्जीबिशंस वगैरह में चले जाते हैं सेल करवाने के लिए, तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि भेजना सेफ़ नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं एक विज़िट विदाउट कॉइन्स भी आके कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कॉइन्स लेके आए, और ज़रूरी भी नहीं है कि कॉइन सेल करने के लिए ही मतलब आप ऑर्बिट में आए या मेंबरशिप ले, एजुकेशन ले मुझसे, कहीं और सेल करना चाहते हैं तो कहीं और भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में भी बता दी जाए। तो चलिए, आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।